गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर मनीष डूडी टीम सीएलसी केमिस्ट्री आज हम बात करेंगे टॉपिक पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक में से जो जो जेई मेन में, में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके लिए बातें करते हैं सबसे पहला पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आया पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली से एजी क्वेश्चन था द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एन ओ एन ओ टू एन टू एंड एन ओ थ्री माइनस इनके लिए बात की जाए तो देखिए बेटा आपने बात की NO3- ओ थ्री माइनस एंड एन एंड एन ओ एन एन यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी प्लस फाइव यहां पर कितनी आएगी प्लस फोर यहां पर प्लस टू और यहाँ पर कितनी आएगी प्लस वन सॉरी <coughs> ये दोनों ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं न्यूट्रल ऑक्साइड हैं दोनों ही ठीक है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा अपने पास सबसे ज्यादा एन थ्री माइनस फिर एन टू फिर एन एंड लास्ट में एन टू ओ इनमें थोड़ा ध्यान रखना है न्यूट्रल ऑक्साइड है इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एक है नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा कौन सा थर्ड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात कर रहा है एने बेसिक मीडियम एच टू टू एच टू ओ टू एक्जिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इसके लिए बात की जाए तो यहाँ पर एच टू ओ टू छारी बेसिक मीडियम में क्या करता है आई टू को आई माइनस में और एम एन प्लस टू को एम एन प्लस फोर में चेंज कर देता है तो अपना आंसर आ जाएगा ए एंड बी तो आंसर आ गया फोर्थ नेक्स्ट बात करते हैं करे एक जीनोन कंपाउंड ए अपॉन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस गिव जिनोन और टू एफ टू द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंपाउंड ए ए कंपाउंड में पूछा बेटा तो एक कंपाउंड अपने पास हो गया जिनोन एफ सिक्स हो गया इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं एच ओ एच आता है तो ये किस में चेंज होता है जिनोन और टू एफ टू में चेंज होता है तो कंपाउंड अपने पास कौन हो गया ये ए हो गया है इसमें लोनपेयर की बातें की जाए तो देखते हैं जिनोन में एक लोन पे जिनोन के पास पड़ा है और छ फ्लोरिन है छ फ्लोरिन है तो प्रत्येक फ्लोरिन के पास तीन लोन पेयर होते हैं प्रत्येक फ्लोरिन के पास तीन लोन पेयर हैं तो टोटल लोन पेयर हो गए इसको तीन से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स से तो कितना आ जाएगा एटीन और एक लोन पेयर ये है तो कितना आ गया नाइनटीन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ जाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा नाइनटीन लोन पेयर कितना नाइनटीन लॉन पेयर अपना आंसर आ जाएगा तो थर्ड का आंसर आ जाएगा नाइनटीन लोन पेयर नेक्स्ट बात करते हैं मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट लिस्ट सेकेंड जो प्रोसेस दिए गए हैं बेटा बात करें प्रोसेस इन प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है डेकन प्रोसेस किसका फॉर्मेशन का मेथड है डेकन प्रोसेस में किसका कैटलिस्ट दिए गए कैटलिस्ट यूज करने अपने को तो ए में आ जाएगा डेकन प्रोसेस में सी यू यूज किया जाता है ये किसको मेथड है, है। कॉन्टेक्ट प्रस का यूज किया जाता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में वीटू फाइव का यूज किया जाता है एसो टू को एसओ थ्री में चेंज करने के लिए एसओ टू को एसओ थ्री में चेंज करने के लिए वीटू फाइव का यूज किया जाता है तो फर्स्ट का देखें कौन आ गया फर्स्ट का सेकंड देखिए बेटा एक ही ऑप्शन में दे रखा है सेकंड का क्या आ गया फोर्थ तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा हाइड्रोकार्बन का टूटने के लिए किसका यूज किया जाता है सी का अपने पास और वनस्पति तेलों के लिए किसका यूज निकल का यूज किया जाता है तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट बात करते हैं द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एन एलिमेंट विद एटोमिक नंबर ऑफ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कौन आ गया बेटा क्रोमियम आ गया कौन आ गया क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है प्लस टू टू प्लस सिक्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी क्रोमियम की तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट बात करें द सेट दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अभी मैंने आपसे बात की थी कि नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड कैसे होते हैं न्यूट्रल होते हैं कौन से कौन से अपन बात करें ये नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों ही क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड है ये दोनों ही क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड है नाइट्रोजन के ठीक है तो अपना आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा फर्स्ट नाइट्रोजन के बेटा जी याद रखने के लिए याद करना एन टू ओ एन ओ एन टू ओ थ्री एन ओ टू एंड एन टू ओ फोर एंड एन टू ओ फाइव ये ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के मेनली अब ये दो न्यूट्रल होते हैं तो बाकी सारे कैसे होंगे बाकी सारे एसिडिक होंगे ठीक है ये दो कलरफुल होते हैं ये ब्लू कलर का होता है और ये ब्राउन कलर का होता है आप याद रखने के लिए ऐसे करना दो कलरफुल है बाकी सारे कैसे हो जाएंगे कलरलेस हो जाएंगे ये दो पैरा मैग्नेटिक होते हैं तो बाकी सारे कैसे हो जाएंगे डाया मैग्नेटिक हो जाएंगे तो ये थोड़ी सी ट्रिक है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दो न्यूट्रल दो कलरफुल दो पैरा मैग्नेटिक बाकी सारे उनके ऑपोजिट हो जाएंगे तो अपना आंसर कौन सा आ रहा है इसमें फर्स्ट आ रहा है नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम पर मैगनेट ऑन हीटिंग एट 533 थर्टी फाइव थर्टी थ्री फॉर्म पोटेशियम मैग्नेट ठीक है बिल्कुल सही बात है के टू एम एन ओ फोर के एम एन ओ फोर सॉरी के एम एन ओ फोर को अपन हीट करेंगे तो किससे में बदल जाता है के टू एम एन ओ फोर में चेंज हो जाता है और साथ में एम एन ओ टू एंड साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनते हैं ओ टू गैस भी बनती है ठीक है ये राइट right स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्या कह रहा है ये नेक्स्ट स्टेट में बहुत पोटेशियम पर मैग्नेट है पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राइडल एंड पैरा बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ये डाया मैग्नेटिक होता है कैसा होता है ये डाया मैग्नेटिक होता है तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट राइट होगा सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ऐसा ऑप्शन देखिए तो ऐसा ऑप्शन आ गया अपने पास थर्ड ऑप्शन आ गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट इज फॉल्स आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसमें थर्ड नेक्स्ट बात करें एक ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट विच इज ए मेटल एंड फॉर्म ए हाइड्राइड विद द रिड्यूसिंग पावर एमोंग ग्रुप फिफ्टीन हाइड्राइड द एलिमेंट इज बेटा जी द फिफ्टीन ग्रुप के हाइड्राइड के लिए बातें की जाए फिफ्टीन ग्रुप के हाइड्राइड के लिए अगर बातें की जाए तो अपन बात करें एन एस थ्री पी एस थ्री ए एस एस थ्री एस बी एस थ्री एंड बी आई एस थ्री इनके लिए बात करें टॉप टू तो बॉटम जा रहे हैं साइज़ क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है तो ओवरलैपिंग क्या होगी ओवरलैपिंग अतिव्यापन ओवरलैपिंग क्या होगी डिक्रीज होगी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी बॉन्ड इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग नेचर ड्यूसिंग पावर क्या होगी इंक्रीज होगी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी बेसिक नेचर क्या होगी डिक्रीज होगी तो आपको इसमें से किसी के बारे में भी पूछ ले आप आंसर दे सकते हैं अपने को इसने किसके बारे में पूछा है रिड्यूसिंग नेचर के बारे में पूछा है तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी अपने को फर्स्ट की मिलेगी किसकी बिस्मित की सबसे ज्यादा Reducing nature अपने को प्राप्त होगी नेक्स्ट बात करते हैं सही बात है बेटा बीके प्लस थ्री के आइन साइज क्या होती है स्मॉल होती है किसके कंपेयर में एनपी प्लस थ्री के कंपेयर में रीजन क्या बताया था अबो इज ए क्रॉस एंड कॉन्ट्रिक्शन ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा जी ये एक्टिनाइट एलिमेंट है यहाँ ये किसके कारण हुआ है एक्टिनाइट के कारण एक्टिनाइट कॉन्ट्रेक्शन के कारण हो रहा है किसके कारण एक्टिनाइट कॉन्ट्रेक्शन के कारण तो असल असलेशन तो सही है परंतु रीजन गलत है तो ऐसा देखिए ए सत्य है परंतु आर गलत है आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा थर्ड, थर्ड।, थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टेन के लिए बात करें फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को अपने को मिलाना है किसमें क्या क्या फॉर्मेशन प्रोसेस दिए गए हैं अपने को हैबर प्रोसेस किसको फॉर्मेशन का मेथड है आप सबको पता है अमोनिया फॉर्मेशन का मेथड है बेटा ठीक है ऑस्ट प्रोसेस किसको फॉर्मेशन का मेथड है नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन का मेथड है कॉन्टेक्ट प्रोसेस एच टू एस फॉर को फॉर्मेशन का मेथड है हॉल हेराल्ट प्रोसेस एल्यूमोनियम एक्सट्रेक्शन का मेथड है तो ऐसा मिला लीजिए ए का थर्ड आ रहा है ए का थर्ड देखिए दो ऑप्शन में बी का फर्स्ट आ रहा है बी का फर्स्ट ए के ऑप्शन में आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट तो देखिए ए का थर्ड बी का फर्स्ट सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड आ जाएगा तो अपना आंसर आ गया फोर्थ ये प्रोसेस बेटा आपको ध्यान रखने हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट नीचे दो दिए दो कथन है जीरो वैल्यू फॉर सी प्लस फोर ऑब्लिक सी प्लस थ्री इज प्लस वन पॉइंट सेवन फोर वॉल्ट सी इज मोर स्टेबल इन सी प्लस फोर स्टेट देन सी प्लस थ्री स्टेट फिर जी एक बात बता दें दोस्तों इनके लिए लेंथीनाइट और एक्टेनाइट के लिए बात करें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होती है ये प्लस टू में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और प्लस फोर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं तो यहाँ अपने को दिखाया गया है कि सी प्लस फोर क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पॉजिटिव में इसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोकेम वो दिखाया गया है ई e जीरो वैल्यू दिखाई गई है पॉजिटिव में इसका मतलब ये हुआ प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में प्लस फोर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चेंज हो जाएगा सी प्लस थ्री में चेंज हो जाएगा किसमें सी प्लस थ्री में चेंज हो जाएगा सी इज मोर स्टेबल इन सी प्लस फोर स्टेट देन सी प्लस थ्री ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना ये स्टेटमेंट क्या होगा रॉन्ग होगा और ये स्टेटमेंट क्या होगा अपना सही स्टेटमेंट होगा तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट कथन सही है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इन करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं बन मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करना है एसिड दे रखे हैं पहला इन एसिड के पहले तो अपने को फॉर्मूले आने चाहिए इन एसिड के फॉर्मूले आएंगे तभी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कैलकुलेट कर सकेंगे तो अपन बात करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड है हाइपोफॉस्फोरस एसिड बेटा फार्मूला था इसका एस थ्री पीओ टू ऑर्थोफोसफोरिक एसिड है एस थ्री पी फोर हाइपोफोसफोरिक एसिड है एच फोर पी टू ओ सिक्स आ गया ऑर्थोफोसफोरस एसिड है एस थ्री पी थ्री आ गया एस थ्री पी ओ थ्री हाइपोफोसफोरस एस थ्री पी ओ टू ऑर्थोफोसफोरिक एस थ्री पी फोर हाइपोफोसफोरिक एच फोर पी टू ओ सिक्स ऑर्थोफोस्फोरस एस थ्री पी थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसमें कितनी आएगी प्लस वन इसमें देखें प्लस फाइव इसमें प्लस फोर इसमें कितनी आएगी प्लस थ्री तो देखिए ए में प्लस वन है तो ए का फाइव आ जाएगा ए का फाइव दो में है इसमें भी है और इसमें भी है बी का ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड प्लस फाइव बी का फर्स्ट आ जाएगा बी का फर्स्ट दोनों में है इसमें भी है इसमें भी है हाइपोफोस्फोरिक एसिड प्लस फोर आएगा प्लस फोर सी का प्लस फोर सेकेंड सी का सेकेंड इसमें भी है सी का सेकेंड इसमें भी है ये ऑप्शन थोड़े अलग बनाए हुए हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड प्लस थ्री है प्लस थ्री में डी में भी है इसमें भी है तो अपना आंसर दोनों सेम मिल रहे हैं इसमें सॉरी 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 देखिए यहाँ फोर था और यहाँ फाइव था तो दोबारा देखते हैं एक बार हाइपोफोस्फोरस एसिड प्लस वन है तो ए का फिफ्थ आएगा ए का फिफ्थ इसी में है ओनली अपना आंसर सॉरी ये नहीं ए का फिफ्थ है ए का फिफ्थ है दो में बी का प्लस फाइव है प्लस फाइव किसमें फर्स्ट बी का ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा कौन सा थर्ड देखिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं ए का फाइव ए का प्लस वन किसमें है फाइव में है ठीक है बी का फर्स्ट बी प्लस फाइव है फर्स्ट में है बिल्कुल सी का हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हाइपोफॉस्फोरिक प्लस फोर सी का क्या आ जाएगा सेकेंड डी का थर्ड डी का आ जाएगा अपने पास थर्ड प्लस थ्री तो आंसर आ गया अपना थर्ड आ जाएगा Next बात करते कह रहे कार्बन सिक्सटीन संरचना के संबंध में गलत कथन है इसमें बारह सदस्य छह सदस्य वाले और चौबीस सदस्य पांच सदस्य वाले पहला ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ठीक है पहला ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बाकी की बात करें प्रत्येक कार्बन तीन सिग्मा बंद बनाता है बिल्कुल राइट बात है बेटा प्रत्येक कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है नेक्स्ट बात करें जैसा फाइव मेंबरिंग आर फ्यूज ओनली टू सिक्स मेंबरिंग फाइव मेंबरिंग ओनली सिक्स मेंबरिंग से जुड़ी होती है जबकि सिक्स मेंबरिंग फाइव और सिक्स दोनों से जुड़ी हुई होती है तो ये स्टेटमेंट भी राइट right आ जाएगा ये भी राइट right स्टेटमेंट है इसमें बात करें वही बात कर दी सिक्स मेंबरिंग पाँच और छः दोनों से जुड़ती है बिल्कुल सही बात है गलत कथन के बारे में बात की है तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा कौन सा फर्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑल थ्री हाई स्पिन सिस्टम बेटे जी बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए अपन को पता है अपन क्या बात करते हैं म्यू एम इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस से इसका आंसर देते हैं एन यहां पर क्या है नंबर ऑफ अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्या कहते हैं इनको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर अपन बात करें यहां पर देखिए बेटा एमोनियम पर प्लस वन चार्ज है यहां पर कितना है यहां पर कितना आएगा बेटा प्लस इस पर टोटल प्लस टू हो गया तो इस पर माइनस टू आएगा तो यहां पर कितना रहेगा माइनस टू कब आएगा जब यहां पर प्लस फोर होगा ठीक है यहां पर बात करें जीडी में जी में कितना आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा और ई में भी कितना आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा कितना आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा तो बात की जाए सी में बात करें तो यहां पर अपने पास सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सेकेंड अपने को मिलेंगे सी में फिर मिलेंगे बी में तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं गिव बिलो द टू स्टेटमेंट एल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ये अल्फा है बेटा ए नहीं

परस्पर परिवर्तित पर होते रहते हैं तो अपन इसके लिए बात करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये बेटा जी बिल्कुल एक दूसरे में अल्फा और बीटा एक दूसरे में क्या होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं चाहे इसको धीरे धीरे ठंडा करो चाहे हीट करो दूसरे स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कमरे के ताप पर सल्फर का स्थिर रूप से, से मोनोक्लिनिकल सल्फर ज्यादा स्टेबल नहीं होता ठीक है यहां कह रहा है स्टेटमेंट रूम टेम्परेचर स्टेबल नहीं होती तो ये स्टेटमेंट अपना wrong हो गया और ये statement अपना सही हो गया तो अपना आंसर आ जाएगा कथन first सही है लेकिन second है लेकिन गलत तो आ आ जाएगा second आ जाएगा, next आ जाएगा next बात करते स्टेटमेंट फर्स्ट दे रहेगा सी ओ टू कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल डी एंड कीटोन एलडीड एंड कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए किसका यूज किया जाता है सीईओ का यूज किया जा जाता है बिल्कुल सही बात है देखिए जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं इनमें प्लस थ्री प्लस थ्री स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है प्लस थ्री परंतु कुछ आयंस हैं वो प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं परंतु ये प्लस फोर में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जबकि प्लस टू में ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं प्लस फोर में जबकि प्लस टू में क्या होते हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्या होते हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ठीक है तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है तो इसमें बात करें एक्वा सोल्यूशन ऑफ यू प्लस यू सल्फेट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्लस टू में है तो ये भी बिल्कुल बात एकदम सही है तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही अपने क्या है सही है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड दोनों ही सही है तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा क्या जाएगा? आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा ठीक है तो दोनों ही अपने बोला प्लस टू में क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फोर में क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये प्लस टू में है और ये प्लस फोर में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है? वर्क करेगा तो ये अपना स्टेटमेंट आ गया आंसर फोर नेक्स्ट बात करते वन सत्र द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अबाउट बी टू एसिक्स सिक्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ऑल एच बी एच बी एंगल आर वन ट्वेंटी इसके लिए बात करें बेटा यहां से यहां बात करें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बोन है ये बोन एंगल ज्यादा मिलता है अपने को किससे ये थीटा वन बोलू ये थीटा टू बोलू तो थीटा वन अपने को ज्यादा मिलता है किससे थीटा टू से थीटा वन ज्यादा और ये सारे वन नहीं होते बोन एंगल ठीक है ये नियर बाय तो 120 होता है तो पहला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया रोंग हो गया कह रहा है इट्स फ्रेगमेंट बी बिहेव एज ए लेविस बेस बेटा लेविस बेस नहीं लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है किसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो यहां पर ये यह किसकी तरह बिहेव करता है ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है किसकी तरह ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा यहां पर ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है नेक्स्ट बात करते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन देखते हैं दो स्टेटमेंट राइट इन करेक्ट हो गए पार्श्व बीएच बंदों में पी लक्षण होते हैं परंतु सेतु बंद की तुलना में ये कम होते हैं पार्श्व बी एच में पीएच बंद लक्षण कम होते हैं किसकी तुलना में सेतु बंदों की तुलना में मतलब एस करेक्टर ज्यादा होंगे एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो अपन बात करें देखिए बेटा बी एच एच एच, एच एच तो यहां पर बोन्ड एंगल ज्यादा है थीटा वन ज्यादा है थीटा वन ज्यादा है तो क्या होगा एस करेक्टर भी ज्यादा आएंगे अपन कहेंगे यहां रिपल्शन कम होगा रिपल्शन कम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एस करेक्टर यहां एस ज्यादा पी कम होंगे एस ज्यादा होंगे पी कम होंगे जबकि यहां पर बात करें तो पी ज्यादा होंगे एस क्या होंगे कम होंगे तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल राइट है ये कह रहा है द टू बी एच बी एच बोन्ड आर नॉट द सेम लेंथ ये बेटा जी बॉन्ड दोनों सेम लेंथ रखेंगे दोनों ही ब्रिज बॉन्ड है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इन दोनों की लेंथ कैसी होगी सेम होगी कैसी होगी सेम होगी तो अपना राइट right स्टेटमेंट पूछा इसने तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा कौन सा थर्ड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रग्रेशन विल बी द सेम किसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है बात करें एफ e के लिए बात करें अगर एफ e के लिए क्या लिखेंगे बेटा थ्री डी सिक्स लिखेंगे क्यों दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं कौन से आउटर मोस्ट वाले जबकि इसके कोबाल्ट के लिए बात करें थ्री डी सेवन फोर एस वन लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है क्रोमियम के लिए बात करेंगे तो थ्री डी फाइव एम एन प्लस टू के लिए बात करेंगे थ्री डी फाइव आएगा कितना आएगा थ्री डी फाइव तो अपना इसमें बात करेंगे तो इसमें आएगा थ्री डी एट इसमें बात करेंगे थ्री डी नाइन Vanadium और इनमें तो आएगा सेम किसमें आ रहा है अपने क्रोमियम प्लस टू और मैग्नीज प्लस टू में आ, क्रोमियम प्लस वन और एम एन प्लस टू में आ रहा है तो अपना आंसर आ जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं आंसर आ गया नंबर क्वेश्चन के लिए बात करें द कंपोनेंट ऑफ द गन मेटल गन मेटल में क्या क्या होते हैं बेटा देखिए बेटा मैं तुम्हें आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास जब भी आ जाए इनको आपको क्या करना है याद ही करना पड़ेगा इनका कोई इलाज नहीं है तो गन मेटल में कौन उपस्थित होता है बेटा कॉपर जिंक एंड एसेन उपस्थित होता है कौन कॉपर जिंक और एसेन अपने पास उपस्थित रहेगा नेक्स्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोग दिंग रिड्यूसिंग एजेंट वीओ एसओ फोर एक क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है तो यह स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही बात है रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट बेटा कोबाल्ट के कारण नहीं होता ये रेड कलर ये कलर कोबाल्ट के कारण नहीं होता तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड सी आर टू ओ थ्री इज एम्फोटेरिक बिल्कुल सीआर टू थ्री एक एम्फोटेरिकोर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में किसकी तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ठीक है तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी फॉलोइंग डेंसिटी की करेक्ट ऑर्डर बताना है डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो डेंसिटी क्या होती जाती है पहले इंक्रीज होती है परंतु जिंक की क्या हो जाती है कम हो जाती है जिंक की डेंसिटी कितनी कम होती है क्रोमियम के पास जाकर टिकता है तो यहाँ बात करें सबसे ज्यादा कॉपर फिर कौबाली क्रोमियम में सबसे कम किस में आएगी जिंक में आएगी इनमें अगर वैसे देखा जाए तो पूरी थ्री सीरीज में सबसे कम किस्में आती है स्कैंडियम में आती है किसमें आती है स्कैंडियम में Left to right जाते पहले increase होती है उसके बाद में क्या होती जाती है Decrease होती जाती है सॉरी पहले इंक्रीज होती है फिर जिंक में क्या होती है Decrease हो जाती है Next बात करते हैं फॉलोइंग एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलेक्ट्रोपिक फॉर्म विच विल शो पैरा is कौन सा है जो पैरामैग्नेटिक है सल्फर का कौन सा जो अपरूप है जो पैरामैग्नेटिक है अपन बात करें बेटा सल्फर S2 form फॉर्म एस टू फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता इसका फॉर्मेशन नहीं होता परंतु हाई टेम्परेचर पर यह मिलता है अपने को और यह कैसा होता है बेटा पैरामैग्नेटिक होता है इसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके बेस पर दी जाती है इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे O2 की होती है वैसे इसकी होती है O2 में बात करें O2 में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां होते हैं सिग्मा टू पी जेड स्टार पाई टू पी एक्स इक्वल पाई टू पी वाई स्टार इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे ही ऑक्सीजन के लिए टू में होते हैं तो ना, सल्फर के लिए किसमें हो जाएंगे थ्री में हो जाएंगे किसमें थ्री में हो जाएंगे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी कितना आएगा म्यू एम इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू में अगर एन की वैल्यू रखेंगे टू टू प्लस टू तो अपना आ जाएगा अंडर रूट एट का वैल्यू कितनी है टू पॉइंट एट थ्री इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी टू पॉइंट एट थ्री आ जाएगा तो अपना आंसर आएगा सी नंबर पूछे इसने तो आंसर यहां पर आ जाएगा वन आ जाएगा क्या आ जाएगा वन

Of NO with N2O4 at ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए एक सेम एलिमेंट के जो कंपाउंड आते हैं उनमें देखा जाए तो एक कम वाला एक ज्यादा वाला तो दोनों को मिलकर नई जो ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट है उन दोनों के बीच की होगी अब बात करें अपन एनओ NO प्लस एन टू फोर इसमें प्लस फोर है इसमें प्लस टू है तो इनकी इंटरमीडिएट क्या बनेगी एन टू ओ थ्री बनेगी क्या बनेगी एन टू थ्री तो अपना आ जाएगा, बेटा जी अगर बात करें जैसे मान लो और भी अपन देखें है है और लूं, या प्लस 7 है, इनकी इंटरमीडिएट स्टेबल कौन सी होती है एम एन ओ टू स्टेबल होती है कौन सी एम एन ओ टू इनकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ऐसे ही बात करें अपन एच टू एस एंड एस ओ टू ले, ले. या प्लस फोर है या माइनस टू है इनकी इंटरमीडिएट क्या बनेगी बेटा इनकी इंटरमीडिएट सल्फर बन जाएगी क्या बन जाएगी सल्फर तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड इन पर क्लोरिक एसिड सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है पर क्लोरिक एसिड के लिए बात करें तो बेटा जी याद करने का तरीका ये क्लोरिक एसिड है थ्री ये क्लोरिक एसिड है इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करोगे एस बन जाएगा इसका नाम आएगा पर क्लोरिक एसिड इसमें एक ऑक्सीजन माइनस करोगे एस सी एल ओ टू ये है क्लोरस एसिड इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और माइनस करोगे एस सी एल ओ ये है हाइपो क्लोरस एसिड हाइपोक्लोरसिड तो ये परक्लोरिक के लिए बात कर रहा है किसकी परक्लोरिक के लिए तो अपन बात करें -फोर, बीच में आ जाएगा ठीक है एक सबसे पहले अपन क्या करें जितने हाइड्रोजन उनको की फॉर्म में लगा देंगे तो OH एक आ गया बाकी जो ऑक्सीजन बच गया उनका डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो जाएगा कितने सीएल बॉन्ड है इसमें इसमें तीन CLO आ आगे कितने तीन नंबर ऑफ सीएलिक एसिड इज तीन आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे तीन आ जाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं ऑन हीटिंग कंपाउंड ए गिव ए गैस बी विच इज ए कॉन्स्ट्यूट ऑफ वाज व्हेन ट्रीटेड विद एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट गिव ऐसा क्वेश्चन देखो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपोर्ट आ, इजी क्वेश्चन है इसको हीट करोगे क्या बन जाएगा इसको हीट करोगे तो नाइट्राइट एंड नाइट ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इनमें आ जाए तो अपने को इनमें से वॉटर निकाल दो नाइट्रेट नाइट्राइट एंड डाइक्रोमेटा इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो आप इसमें से वॉटर रिमूव करोगे दो मोल वॉटर निकल के बाहर पीछे क्या बच गया दो मोल वॉटर बाहर निकल के दो एन टू बच गए एक ऑक्सीजन बच गया क्या बन जाएगा एन टू बन जाएगा क्या एन टू बन जाएगा जबकि यहां बात करूं मैं यहाँ दो मोल हाइड्रोजन वोटर निकलेंगे पीछे क्या बच जाएगा एच एन टू बच जाएगा क्या एन टू का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे ही मैं यहाँ बात करूँ, एन एच फोर का होल ट्वाइस Cr2O7, टू सेवन तो इसमें बात करेंगे तो दो वोटर मोलिकूल बाहर निकल गए तो पीछे क्या बच जाएगा सॉरी चार वोटर मोलिक बाहर निकलेंगे पीछे बच जाएगा एन टू एंड सी आर टू ओ थ्री तो अपने को पता लग गया यहाँ दो में n2 बन रहा है और इसमें क्या बन रहा है n2o बन रहा है क्या n2 या नाइट्राइट है नाइट्राइट है तो यहाँ क्या बनेगा n2 गैस बनेगी क्या n2 गैस बनेगी यहाँ क्या बनेगी n2 गैस बनेगी लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो pbo प्लस no2 का फॉर्मेशन होता है साथ में half o2 बनती है इसको प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है मेटल एजाइड का यूज किया जाता है किसका मेटल एजाइड का इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा सोडियम प्लस एन टू का फॉर्मेशन होता है किसका सोडियम प्लस एन टू का फॉर्मेशन होता है ये किसके लिए प्योर एन टू प्योर एन टू फॉर्मेशन के लिए प्योर एन टू फॉर्मेशन के लिए किसका यूज किया जाता है एन टू का यूज किया जाता है किसका एन टू का यूज किया जाता है तो अपना आंसर आ जाए वैसे भी आप बता सकते हो कुछ हटके कौन है

कि अपना आंसर आ गया थर्ड अब देखिए बेटा पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं इससे कौन सी गैस बनी है एन टू गैस बनी है वैसे तो आंसर अपना इसकी बेस पर आ जाएगा इससे भी कौन सी बन रही है एन टू बन रही है इससे कौन सी बन रही है एन ओ टू प्लस ओ टू बन रही है और इससे कौन सी बन रही है एन टू गैस बन रही है अब ये क्या बोल रहा है एक योगी की एक को गर्म करने पर एक गैस भी प्राप्त होती है ठीक है जो वायु का एक अवयव है एक वायु का अवयव है वायु में मिलती है एन टू मिलती, मिलती है इस गैस को एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन है।, तो है।, है? है जो इसकी प्रवृत्ति कैसी है छारिय तो ए नहीं हो सकता ए कौन नहीं हो सकता अब इसमें तो एन टू मिल रही है इसमें एन टू नहीं मिल रही है तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा थर्ड नहीं हो सकता है तो नहीं कौन सा होगा इसमें एनओ टू मेन मिल रही है अपने को अगर यहां O2 से भी बात करें तो ओटो की इससे एच टू से अभिक्रिया कराएंगे, तो एच टू बनेगा जो छारी प्रवृत्ति का नहीं होता तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट बात करते मन इन ए एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड सबसे पहले तो बेटा इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एच फोर पी टू ओ सेवन H4P2O7 ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड कौन है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे P डबल बॉन्ड O OH OH O P डबल बॉन्ड O OH एंड OH ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई पाइरोफॉस्फोरिक एसिड की पाइरोफॉस्फोरिक एसिड के अणु में POH P डबल OH, बॉन्ड OP OP बंधों की संख्या क्रम से होगी POP बोन्ड कितने हैं एक POP बॉन्ड है और POH बॉन्ड कितने हैं एक दो तीन और ये चार है चार पीओएच एच बॉन्ड है ठीक है एक पीओ दो पीओ बोंड है बिल्कुल है और एक पीओपी बॉन्ड है बिल्कुल है आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर कौन सा जाएगा फोर्थ एक्वारेजिया यूज टू फॉर डिजोल्व नोबल मेटल्स द गैस इन दिस प्रोसेसेस. एक्वारेजिया एक्वारेजिया को क्ल करने के लिए किया जाता है बेटा जी इसमें जो गैस बनती वो कौन सी होती है एनओ गैस बनती है कौन सी बनती है? बनती है इसमें ठीक या है ट्वेंटी नाइन नंबर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत कथन का चेन करना है अपने गलत कथन है मैग्नेट एंड मैगनेट आयन टेट्राइडल बिल्कुल कोई बात बिल्कुल सही बात है मैग्नेट आयन क्या होता है बेटा एम एन ओ फोर

रंग का है, पर्पल कलर का है बेटा बिल्कुल सही बात है तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को चूज करना था आंसर आ गया अपना सेकेंड आंसर आ जाएगा कौन सा सेकेंड नेक्स्ट बात करते हैं ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिव ए ब्राउन गैस बिल्कुल अभी बात की थी अपने पी बी एनओ थ्री का होल्डवाइस इसको हीट करते हैं लेड ऑक्साइड प्लस एनओ टू का फॉर्मेशन होता है ब्राउन कलर की गैस मिलती है ए कूलिंग चेंज टू ए कलरलेस सोलिड इसको कूल cool करते हैं ठंडा करते हैं अपन बताते हैं आपने बात की हुई है ये एन टू फोर में चेंज हो जाएगा यह कलरलेस है ये ब्राउन गैस है यह कलरलेस है सोलिड लिक्विड बी ऑन हीटिंग विद एन चेंज इन ब्लू सॉलिड

जो पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक से आए हुए हैं नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट गुरुनीति में थैंक यू